बाबा बागेश्वर से मिली आप कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरी फोन पे वार्तालाप हुई है कई बार कार्यक्रम के विषय को लेकर के, पर आमने सामने कभी ऐसा मिला आपकी नहीं। धारणा क्या, क्योंकि जो हमारा एक नई धारणा निकल कर आई कि एक नया लड़का, क्योंकि लड़कों उस उम्र में, जैसे आज इस उम्र में आप लोग हैं, कथावाचक कम है, और एक ऐसा कथावाचक जो बेबाक है, जो बिंदास है, कई लोग कहते हैं कि उनके अंदर वो हल्का सा भी एक, जब आप परिपक्वता गया, आप जो परिपक्वता शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर एक वो मस्खरापन है कि वो कहते कहते मजाक छिड़ जाते हैं, धर्म के साथ साथ थोड़ा सा आपको छेड़खानी कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। कैसे आप देखती, क्योंकि कई बार एक धारणा होती है, जैसे आप हैं, आप सौम्यता नजर आती है आपके कपड़ों से, आपके विचारों से, आपकी बातों को, हम कथा सुन रहे थे, उनका अंदाज थोड़ा निराला है, सो उस निराले अंदाज को आप कैसे देखती है? कि सारी दुनिया एक सी हो जाएगी तो क्या ही मजा है दुनिया में। कुछ रंग बिरंगा होना चाहिए, कुछ सौम्य, कुछ रुद्र, ये नव रस है और सब में ये रस होने बहुत जरूरी है। उनकी अपनी एक अदा है, जहाँ तक भी जितना भी मैंने उनको टीवी के या सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, काफी मस्ती में रहते हैं, जितना मैंने देखा है अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जो बोलना है बोलते हैं, दुनिया से डरते नहीं है। और वो बार बार कहते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं जो बालाजी का भक्त हूँ, तो मुझे कहीं किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कोई शायद नहीं होती किसी पर भी बात करने वाली या प्रश्न उठाने वाली। मैं हमेशा मानती हूँ कि उन्होंने धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया। हम कई बार सुनते हैं, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, बहुत सारे लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग जो हिंदू धर्म छोड़ कर के चले गए थे उनको वापस लेकर के आ रहे, तो ये अच्छा काम है। इसके लिए समाज को सराहना करनी चाहिए, समाज उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। बात जो कुछ उनकी सिद्धियों की है, उन पर दो आलोचनाएं आती हैं, और दोनों, क्योंकि आप भी एक धर्मगुरु हैं, आपसे बेहतर समझ सकता हूं मैं। एक आलोचना होती है कि वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं लेकिन दूसरों पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जी, जैसे आपने कहा दूसरे धर्म से वापस ला रहे हैं, और वो एक काम है जिसको मानने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि मुझे लगता है आज के वक्त में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि वो जिस शहर में जाते हैं सैलाब उमड़ जाता है, और इस बात को कहने में मुझे भी कोई संकोच नहीं है। जी, तो एक तो वो आता उनके साथ, दूसरा उनका जो वो पर्ची वाली कहानी, क्योंकि एक और कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि वो माइंड रीडर वाली कहानी है। कई सारे हमारे चैनल में भी लड़कियां आई, एक सुहानी करके हैं जो माइंड रीड करती थी कि आपके मन में सवाल क्या है। So, हम ये कैसे समझें कि ये सिद्धि है या ये माइंड रीडर कहानी है या ये चमत्कार है या ये जादू है, क्या टेक आपका इस पर है? देखिए, शास्त्र भी कहते हैं रिद्धि सिद्धियां होती है। भगवान गणपति की जो पत्नी है रिद्धि है, एक सिद्धि है। तो सिद्धियां होती है, लघिमा गरिमा ये सब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसका एक ऋषि महात्माओं के द्वारा पूर्व काल, पहले तो ऐसे होता था, ऐसी ऐसी सिद्धि होती थी, आदमी सांस रोक के भी जी लेता था, तो वो भी सिद्धियाँ होती थी और आज भी कहीं ना कहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग, इवन गांव में कई बार आते हैं ऐसे कि हम आपका परिचय बता देंगे, कुछ तो होता होगा, क्या होता वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उस बारे में ना डीप में गई ना मैंने कभी स्टडी करी कि ये क्यों होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अभी क्या पहने हुए वो रंग बता देते हैं, क्या आसपास आपके वो बता देते हैं, अब वो कैसे बताते हैं ये नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आदमी को कभी भी जो चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा चले, भगवत मार्ग पर चले, तो उसको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अपने कर्म और भगवान, इन दो चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब किसी व्यक्ति से ये आशा करते हैं ना कि ये व्यक्ति आपके दुखों को दूर कर देगा, तब आप धोखा खाते, क्योंकि कोई आपके दुख दूर नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपके दुख दूर करने का दावा करता है तो मेरी नज़रों में वो सही नहीं है।